नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वो जो मैं वीडियो बनाई थी उसके बाद ये वीडियो मैंने बना रखा है। तो ये मैं पेटीकोट की कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले इस कपड़े को अच्छे से खोल लूँगी और साइड से 5 इंच का फोल्ड करके उसको मैं काट करके नाड़ा कमर पट्टी निकाल लूँगी और अपने कमर के हिसाब से। और उसके बाद अगर आप लोग को कम लगता है तो 2 इंच का जो साइड में नाड़ा पट्टी हम काट के निकालते हैं उसमें से थोड़े कपड़े कटिंग करके इसमें जॉइंट कर देते हैं, क्योंकि किसी का कमर थोड़ा चौड़ा होता है, किसी का पतला होता है। तो उसी हिसाब से कमर के हिसाब से आप इंचिस करके करें। तो ये जो कपड़े से पट्टी निकलता है इसमें मैं करीब 2 पट्टियाँ और जोड़ती हूँ, तब जाके मेरी कमर में मतलब फिट बैठता है। तो उसी हिसाब से आप लोग भी अपना देख लीजिएगा, कब अगर जोड़ पाएंगे तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते तो इतने में भी हो जाता है कुछ लोगों का कमर। उसके बाद ये 5 इंच का पहले मैं कटिंग करके निकाल लूँगी तो ये कमर पट्टी पड़ जाता है। और फिर साइड से एक साइड से 2 इंच का मैं डोरा का पट्टी निकाल लूँगी जो नाड़े का काम आएगा। तो उसको मैं देखिए इस साइड से लंबा मैं कटिंग कर लूँगी, 2 इंच का कट के निकल जाएगा। इसी में से हम अगर कमर पट्टी में कम पड़ेगा तो हम उसे जोड़ भी सकते हैं, अगर नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये कटिंग हम करके निकाल लेते हैं। देखिए कैंची से काट के थोड़ा सा निकाल लेंगे, मैं फिर उसे हाथ से ही फाड़ के निकाल लेती हूँ, हो जाता है। तो इसी तरह से फाड़ के निकाल लेते हैं। उसके बाद इस कपड़े का 2 तह बना करके उसको हम निशान लगाएंगे। इसको अच्छे से कपड़े को अच्छे से तय बना लीजिए, उसके बाद निशान लगाएंगे 12 इंच इधर का, 12 इंच उधर का, दोनों साइड से 12 12 इंच का हम सबसे पहले निशान लगाते हैं। पंखा चल रहा है इसलिए उड़ रहा है थोड़ा कपड़ा। तो दोपहर के समय मेरा ये भी काम हो जाता है सिलाई पुराई का, कुछ पैसे भी बच जाते हैं टेलर से, क्योंकि टेलर के पास भी देंगे पेटीकोट का सिलने के लिए तो 40-50 रुपये ले ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं अपना घर में ही ब्लाउज और पेटीकोट वगैरह सिल लेती हूँ, जैसा भी सिलती हूँ अपने ही काम आता है, किसी और का नहीं। तो ये देखिए मैंने कपड़े को अच्छे से तय बना लिया है। अब इधर से 12 इंच का निशान लगाएँगे सबसे पहले। आप लोगों को दिख रहा होगा तो 12 इंच के इधर से निशान लगाएंगे 12 इंच का, और 12 इंच का ही उधर से निशान लगा लेंगे। और फिर दोनों को एकदम बराबर से निशान लगा लेंगे उधर से इधर से। अब देखिए इसको हम इस सीधे निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। और फिर कटिंग करने के बाद भी साइड साइड कपड़े जुड़े रहते हैं उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कट के तैयार हो चुका है। और इसके बाद ये साइड का कपड़ा जुड़ा हुआ है उसको हम कटिंग कर लेंगे, उसी तरह उस पेटीकोट का भी कटिंग कर लेंगे। और एक पेटीकोट मैंने और भी काट रखा है इससे पहले, तो वो भी इसी तरीके से मैंने काट रखा है अपने ही साइज़ का, क्योंकि पेटीकोट का कपड़ा खुद ही 2 मीटर का मिलता है, उसी हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये भी मेरा कट गया है, ये भी वो भी मेरा कट गया है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।